अपन बना रही हूँ घर पे क्रिस्पी चिली पटेटो बिल्कुल बाहर जैसा। तो ये रहा फ्रेंच फ्राइज जो फ्रोजन वाला है वो वाला है, तो मैं आपको रेडी टू वाला बता रही हूँ इसमें। तो इसमें हमने जो मैरिनेट किया था, इसमें क्या था, मैंने ये वाला सॉस, ये रहा एक चम्मच, ये रहा सेजवान चटनी, ये वाला सॉस डाला था फ्रेंच फ्राइज वाला जो फ्रोजन होता है वो। उसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर का डाल के अच्छे से मैरिनेट कर दिया थोड़ी, उसके बाद उसको फ्राई किया। डबल फ्राई नहीं हुआ है क्योंकि उसका मन नहीं है, तभी काफ़ी अच्छा ये क्रिस्पी है। आपको डबल क्रिस्पी करना तो कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी तेल लिए, तेल में आपको अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च डालना है। इसको आपको फुल फ्लेम पे ही बनाना है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं अभी बता नहीं सकती। इसके बाद जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो है ये, इसके बाद में वन बाय वन स्टेप आपको बताती रहूँगी। बाद मैंने इसमें जो इसमें शिमला मिर्च था और प्याज था इसको डाल दिया। इसको आपको अच्छे से फ्राई करना है, फुल पे ही करना है, इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये रहा अभी मैंने किया है, मेरा फुल पे ही करना क्योंकि वीडियो बनने से मैंने चाहती और बहुत ही इजी रेसिपी है, डेफिनेटली ट्राई करिए। मैं दूसरी बार बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें मसाले बताती कौन कौन से होंगे। इसमें पेस्ट डाला ये है सेजवान चटनी का सॉस, वैसे तो इसमें चिली पेस्ट हमने कुछ कहा था जो कि मेरे पास नहीं था, तो आप इससे भी बहुत अच्छा आपको फ्लेवर मिलता है, तो इसको थोड़ा पकने दीजिए। इसी स्टेज पे आके आपको इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, तो मैं चिली पोटैटो ड्राई बना रही हूँ तो आपको इसमें क्या करना है, बहुत पानी नहीं डालना क्योंकि इसे फिर ड्राई करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इतना सा ही पानी डाल रही हूँ इसको, देख सकते हो। अब इसमें आपको डालना है नमक, ये रहा तो मैंने फिर भी नमक डाल दिया है। ये रहा, इसको गैस आपका फुल ही होना चाहिए। ये रहा, थोड़ा पकने दीजिए इसको। तो आपको इसमें डालना है स्प्रिंग अनियन, तो ये रहा मेरे पास भर के है, तो आप जितना ज़्यादा डालेंगे ये रहा बढ़िया फ्लेवर आता है चाइनीज़ डिश में, तो आपको पता ही है। गैस का फ्लेम फुल ही होना चाहिए। मैं आपको डालना है थोड़ा सा विनेगर, ये रहा मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर एकदम थोड़ा सा, ठीक है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं डार्क सोया सॉस, ये रहा, इस तरीके से। मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल दिया है, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे हल्का, अगर आपका मन है तो ज़्यादा मत डालना, ये रहा। तो फ्लेवर आपको बहुत ही बढ़िया इसका लगेगा, ये रहा। अच्छे से इसे पका लेना है फुल फ्लेम में। तो आपको इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी का जो स्लरी बनाया था आपको डाल देना है, बहुत नहीं डालना है, इसे एकदम से गाढ़ा बन जाएगा। तो मैं बस एक ही स्पून डाल रही हूँ, अगर इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा कर देगा ये बहुत ज़्यादा। तो आपको थोड़ा सा इसको पका देना है, ये रहा फुल फ्लेम में। और अगर आपको एकदम क्रिस्पी चिली पोटैटो चाहिए तो बाहर वाले जैसा मतलब इसको डबल फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बेबी को यही वाला पसंद आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसमें डाला, इसको जल्दी जल्दी टॉस कर लेना है आपको इसको, ये रहा। और ये बिल्कुल बन के तैयार हो गए, बस आपको इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। और अगर आपको इसको ग्रेवी वाला बनाना है तो आपको इसको थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा डालना है उसी स्टेज पर। तो ये रहा क्रिस्पी चिली पोटैटो बन के बिल्कुल तैयार है। सो आई रियली होप वीडियो आपको यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच इन कीप वॉचिंग, बाय। इस तरीके से बन के तैयार होगी, डेफिनेटली आप इसको ज़रूर खा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो डबल फ्राई कर सकते हैं चिली पोटैटो को, अदरवाइज आप घर में भी फ्रेंच फ्राइज जैसे काट सकते हैं। तो मैंने पहले घर वाला बनाया था, फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि फ्रोजन वाले के साथ कैसा लगता है, तो घर वाले का टेस्ट बहुत अलग था, इसका देखेंगे कैसा है। थैंक यू सो मच।